मेरे अत्यंत प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आप सभी को हिंदी साहित्य में पाठ 10 बालक ध्रुव पढ़ाने जा रही हूँ। तो सभी बच्चे अपना पेज नंबर 66 खोल लें और किताब में ध्यान दें। बहुत समय पहले एक राजा थे उत्तानपाद। उनकी दो रानियाँ थीं, सुनीति और सुरुचि। बड़ी रानी सुनीति का स्वभाव बहुत अच्छा था, स्वभाव माने व्यवहार। किंतु छोटी रानी सुरुचि स्वार्थी, झगड़ालू और चालाक थी। स्वार्थी माने जो केवल अपना ही भला सोचता हो। वो बहुत सुंदर थी, इसीलिए राजा उसकी हर बात मानते थे। सुनीति का एक पुत्र था ध्रुव। सुरुचि का भी एक पुत्र था, उसका नाम उत्तम था। सुरुचि अपने पुत्र को राजा बनाना चाहती थी, इसीलिए उसने षड्यंत्र रचकर सुनीति और ध्रुव को राजमहल से निकलवा दिया। षड्यंत्र क्या होता है? साजिश, किसी के खिलाफ चाल चलना। अब सुरुचि क्या चाहती थी, आप लोग मुझे बताएंगे। सुनीति अपने पुत्र ध्रुव के साथ राज के बाहर रहने लगी। वे साधारण जीवन जी रहे थे। तो साधारण माने क्या होता है? साधारण माने होता है मामूली। बालक ध्रुव अपनी माँ से बहुत प्रेम करता था। कभी कभी वो अपने पिता के बारे पूछता, माँ मेरे पिता राजा हैं, फिर हम महलों से दूर क्यों रहते हैं? पिताजी हमसे मिलने क्यों नहीं आते? किंतु सुनीति के पास ध्रुव के इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। एक दिन ध्रुव के मन में अपने पिता को देखने की इच्छा जाग उठी। वो सीधा राजमहल जा पहुंचा। उस समय वो केवल 5 वर्ष का था। महल में प्रवेश करने पर ध्रुव को राजा उत्तानपाद दिखाई दिए। उनकी गोद में सुरुचि का पुत्र उत्तम बैठा था। ध्रुव के मन में भी पिता की गोद में बैठने की इच्छा हुई। वो दौड़कर उनके पास जा पहुंचा और बोला, पिताजी मुझे भी गोद में बिठा लीजिए। ध्रुव की बात सुनकर सुरुचि उठ खड़ी हुई और बोली, ध्रुव तू राजा की गोद में बैठना चाहता है, तो जा तप कर और अगले जन्म में मेरा पुत्र बनकर पैदा हो। तो जप माने क्या होता है? तप माने क्या होता है? तप माने होता है तपस्या, कि प्रभु को जाकर के याद करो, तपस्या करो। जब तपस्या करोगे तभी राजा की गोद में बैठने का तुम्हें अवसर मिलेगा, जब तुम मेरे पुत्र बनोगे। तो उसने क्या कहा कि ध्रुव तू राजा की गोद में बैठना चाहता है तो जा तप कर और अगले जन्म में मेरा पुत्र बनकर पैदा हो। इतना कहकर सुरुचि ने ध्रुव को धक्का देकर गिरा दिया। नन्ना ध्रुव रोता हुआ माँ के पास पहुंचा। सुनीति ने ध्रुव से रोने का कारण पूछा। ध्रुव ने माँ को पूरी बात बता दी। वो उसे चुप कराते हुए बोली, तुझे मेरा पुत्र होने के कारण दुख भोगना पड़ रहा है। दुख भोगना माने क्या होता है बच्चों? सहना। ध्रुव ने माँ की बात का उत्तर देते हुए कहा, माँ मैं ईश्वर को खोजूंगा, मैं वन में जाकर तप करूंगा, अर्थात तपस्या करूंगा। सुनीति ने ध्रुव को बहुत समझाया लेकिन ध्रुव नहीं माना। वो माँ से आशीर्वाद लेकर वन की ओर चल दिया। वन में पहुंचकर ध्रुव ने उचित स्थान खोजा, उचित माने सही। फिर वह भगवान विष्णु का ध्यान कर तप करने लगा। बिना खाए गर्मी सर्दी बरसात सहते हुए वो भगवान विष्णु का नाम जपता रहा। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। नाम जपता रहा अर्थात लगातार एक ही नाम का ध्यान करना, जैसे श्री कृष्ण या विष्णु 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 ओम नमः शिवाय, किसी भी एक नाम का हमने जाप करना शुरू कर दिया तो उसको कहेंगे नाम जपना।
ध्रुव के तप से प्रसन्न होकर एक दिन भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, ध्रुव आंखें खोलो। वे ध्रुव को गोद में लेकर बोले, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। ध्रुव बहुत प्रसन्न हुआ। आगे चलकर ध्रुव अपने पिता की जगह राजा बना। प्रसन्न हुआ माने खुश हो गया। बाद में भगवान ने ध्रुव को तारे के रूप में आकाश में स्थान दिया। ध्रुव तारा हमें याद दिलाता है कि ईश्वर पर सच्चा विश्वास करने वाले की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये पाठ जो हमने आपको पढ़ाया बालक ध्रुव, ये हमको ये बताता है कि ईश्वर पर सच्चा विश्वास रखने वालों की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। बालक ध्रुव भी कठोर तपस्या के बल पर राजा बना। बाद में ईश्वर ने उसे तारे के रूप में आकाश में स्थान दे दिया। तो मेरे विद्यार्थियों, आपको ये पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब आप लोग को इसमें जो शब्दार्थ दिए हैं उसे आप स्वयं करेंगे, और आज का होमवर्क है कि आप पाठ को पुनः पढ़ेंगे। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। सबका दिन मंगलमय हो।